हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 304। आज मैं कुछ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो डाउट उठा था पिछले वीडियो ग्लाइकोलाइसिस से, यानी मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में। देखो, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर, उस ग्लाइकोलाइसिस के जो कंप्लीट चेन ऑफ रिएक्शंस हैं उसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की बात की जिसमें पीछे लगा था बिसफॉस्फेट, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स के पीछे हम लगाते डाइफॉस्फेट। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही दो फॉस्फेट होता है, तो फिर बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट ये दो अलग अलग टर्म क्यों यूज होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। पहले मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ डाइफॉस्फेट्स के। देखो, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसा मैंने ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको तो हल्का सा हिंट दिया था इसके बारे में कि ये एडिनाइन हो गया, इस एडिनाइन के साथ जुड़ा राइबोज तो ये बन गया एडिनोसिन, यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड। अब इस एडिनोसिन के साथ जब आप एक फॉस्फेट जोड़ते हो तो बन गया एएमपी, और जब एक और फॉस्फेट जोड़ते हो तो बन गया एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाई वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फॉस्फेट जुड़े हैं इसलिए डाइफॉस्फेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है वैसे के वैसे ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट भी होता है। सेम इसी तरह का है कि एडिनोसिन भी एक न्यूक्लियोसाइड है और ग्वेनोसिन भी एक न्यूक्लियोसाइड है, इस पर भी जब दो फॉस्फेट जुड़ेंगे तो बन जाएगा ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट। गेटिंग माई पॉइंट? तो डाइफॉस्फेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो फॉस्फेट अटैच्ड हो उनको आप कहते हो डाइफॉस्फेट्स। मैं डिफरेंस लूंगा, दो मिनट रुको, मैं एक बार एग्जाम्पल्स लेता हूँ, सिमिलरिटी बताऊँगा और उसके बाद डिफरेंस भी तुम्हें बताता हूँ। अब मैं बिसफॉस्फेट की बात करता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों ने ये मॉलिक्यूल देखा होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है और इसके कार्बन नंबर 1 और 6 पे, ये पहला कार्बन, ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6th कार्बन, यानी पहले और 6th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है। दो फॉस्फेट है इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया बिसफॉस्फेट। सिमिलरली आपने बात की थी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की, ठीक है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का ही एक प्रोडक्ट था। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट अटैच्ड है, तो 1,3 बिसफॉस्फोबिस मतलब होता है 2, तो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी एक मॉलिक्यूल जिसमें दो फॉस्फेट है। नाउ द पॉइंट इज कि सर डाइफॉस्फेट उसमें भी दो फॉस्फेट ग्रुप है, बिसफॉस्फेट इसमें भी दो फॉस्फेट ग्रुप है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको अब बताता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, ये आपके सामने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और उसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के साथ, तो आप खुद ट्राई करो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके देखने की कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। हम लोग डाइफॉस्फेट वर्ड तब यूज करेंगे जब ये दोनों फॉस्फेट आपस में अटैच्ड हो, ठीक है, और बाद में ये अटैच्ड हो किसी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर सेम पोजीशन पे। मतलब जैसे यहाँ पर पहले कार्बन पे, यहाँ पर देखो इस पहले कार्बन पे दोनों ही फॉस्फेट अटैच्ड है और दोनों फॉस्फेट आपस में भी अटैच्ड है, तब तो आप बोलते हो डाइफॉस्फेट, यानी कि दो फॉस्फेट्स हैं, दोनों आपस में अटैच्ड है और बाद में ये दोनों एक यूनिट की तरह जाकर उस मॉलिक्यूल पर अटैच्ड हुए, तो वर्ड यूज़ करेंगे डाइफॉस्फेट। और बिस वर्ड कब यूज़ होगा? बिस वर्ड तब यूज़ होगा जब दोनों फॉस्फेट आपस में अटैच्ड नहीं हो, वो है उसी मॉलिक्यूल में लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर अटैच्ड है और आपस में इनमें अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एक फॉस्फेट पहले कार्बन पर अटैच्ड है और एक फॉस्फेट 6th कार्बन पर अटैच्ड है, तो ये दोनों फॉस्फेट अलग अलग जगह पर अटैच्ड है। अब वापस से ये सारे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके लिए। ये देखो आप, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दो फॉस्फेट दोनों आपस में अटैच्ड और बाद में ये एज ए यूनिट इस कार्बन पे अटैच्ड है, तो वर्ड क्या यूज़ करेंगे? डाई। ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये पहला फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, ये आपस में भी अटैच्ड है और बाद में ये अटैच्ड है इस के राइबोस के साथ में, तो ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं तो डाइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जहाँ पे हमने बिसफॉस्फेट वर्ड यूज़ किया है। ये देखो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये फॉस्फेट पहले कार्बन पे है, 6th कार्बन पे हो और आपस में अटैच्ड नहीं है, तो वर्ड यूज होगा बिसफॉस्फेट।
सिमिलरली ये देखो आप 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट पहले और तीसरे कार्बन अटैच्ड है और आपस में लिंक्ड नहीं है तो वर्ड यूज होगा बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये डिफरेंस होता है बिस्फॉस्फो और डाइफॉस्फो में। सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही दो दो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। ये मैंने छोटा सा वीडियो केवल इसलिए बनाया बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने के बाद कुछ क्यूरियस बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर ये दो अलग अलग वर्ड क्यों यूज होते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।